ऐ खुदावन तू आदिल है और तेरी कजाएं रास हैं, अपने बंदों से अपनी नेकी के मुताबिक सलूक कर। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत और रफाकत आप सबके साथ और आपके साथ भी हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, साल के दौरान 23वें अतवार की इबादत और आज 4 सितंबर 2022 खुदावन का साल और खुदा का आम आज हमारी मदद रहनुमाई करता है। आज के कलाम में हम हिकमत की किताब में से खुदा की जानेंगे कि खुदा की मर्जी को कौन जान सकता है, खुदा की मर्जी को कौन जान सकता है, खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है वो कौन जिंदगी बसर कर सकता है। और फिर हम आज देखते हैं कि फिर कबूल कर, और आज हम देखते हैं कि फिलमून के लिए खत जो है, जो मकदस पालूस का खत, और फिर उसमें हम जो खुदा के इस बंदे को देखते हैं कि किस तरह से अपने इस बंदे को जो है वो अपने लोकवा भेजता है और किस तरह से उसके लिए जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करता है। मेरे सिस्टर भाइयों, और आज के जिले मुकदस में हम देखते हैं कि तुम में से कौन मेरा शागिर्द, तुम में से कोई मेरा शागिर्द नहीं हो सकता जब तक वो अपना सब कुछ। मेरे सिस्टर भाइयों, आज शागिर्दी के तकाजों को जो है वो बयान किया गया है। आज हम देखते हैं कि खुदा के शागिर्द जो है वो हम लोग किस तरह से बन सकते हैं। तो आए मेरे सिस्टर भाइयों, आज की इबादत को करने से पहले हम अपने आप को परखें, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक वाजिब तौर पर हम आज की इस इबादत में शरीक हो पाए। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पश्चिमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक हैं, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से मैं हर के तुझे नाराज ना करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। आए खुदावन रहम कर, आए खुदावन रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, आए खुदावन रहम कर, आए खुदावन रहम कर। आलमे बाला पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेक नियत आदमी के लिए सलामती। ऐ खुदावन खुदा, आसमानी बादशाह, खुदाए कादर मतलब बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह, खुदा 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 के बड़े बाप की बेटी, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर, तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कदूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूह कुदस के साथ खुदा बाप की जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। हम दुआ मांगे, हम आज खास तौर पर दुआ मांगे कि खुदा खुदा हमें जो है अपनी शागिर्दियत में कबूल करे और हम उसकी कजाओं पर, उसकी राहों पर चलते। खुदा हमारे घर और घरानों को बरकत अता फरमाए और खास तौर पर नवीने की दुआएं जो कि पूरी दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान में जहां जहां भी हो रही है, खुदा उनकी हिफाजत करे। तो आज हम दुआ मांगे। ऐ प्यारे बाप खुदा, तू ही हमारी नजात का बानी है, तू ही हमें अपने फर्जंद बना लेता है। मेहरबानी से अपने प्यारे बंदों पर तवज्जो कर ताकि हम मसीह पर ईमान लाकर सच्ची आजादी और दामी मिरास पाएं मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। मेरे जिसमें भाइयों, तुरिया इकलाम का वक्त है, अपनी तवज्जो खुदा के जिंदा कलाम की जानिब करते हैं और खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हम आज की पहली तिलावत सुनते हैं। हिकमत की किताब उसका 9वां बाब 13वीं से 18वीं आयत कस्सा। आए सुने हम आज की पहली तिलावत।
नामा बाग उसकी 13-18 आयत। क्योंकि कौन सा इंसान खुदा की मशवरत को जानता है और कौन समझता है कि खुदावन की क्या मर्जी है। यानी इंसान के ख्यालात लर्जा हैं और हमारी मसलहतें गैर यकीनी हैं, इसलिए कि पासद जिसम रूह पर ग्रां है और खाकी मस्कन तफक्कर की अकल को दबाता है और हम मेहनत से जमीनी चीजों का कयास करते हैं और कोशिश से अपने सामने की बातों को समझते हैं, मगर जो कुछ आसमान में है उसकी बाबत हमें कौन इतला देगा और कौन तेरी मशवरत को जानेगा। अगर तू हिकमत ना दे और अपनी कदूस रूह बुलंदियों से ना भेजे, इसी तरह जमीन के बाशिंदों की राहें दुरुस्त की गईं और आदमियों ने सीख लिया कि तुझे क्या मकबूल है और उन्होंने हिकमत ही के जरिए से निजात पाई। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज का मजमूर, आज का जबूर और हमारा आज का मजमूर 79 और हमारा आज का जुमाती जवाब, ऐ खुदावन तू ही पुष्ट हमारी पनागा रहा है। ऐ खुदावन तू ही पुष्ट हमारी पनागा रहा है। तू इंसान को खाक में लुटा देता है और कहता है ऐ बनी आदम लौट जा, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 वर्ष कुल कल के गुजरे हुए दिन की मानित हैं या रात के एक पहर की तरह। जमाइती जवाब, ऐ खुदावन तू ही पुष्ट हमारी पनागा रहा है। तू इंसानों को करता और वो गोया फजर की घास बन जाते हैं, वो सुबह को लहराती और सब्ज होती है और शाम को मुरझा जाती है और सूख जाती है। जमाइती जवाब, ऐ खुदावन तू ही पुष्ट हमारी पनागा रहा है। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिन लें ताकि बातनी हिम्मत हासिल करें। ऐ खुदावन तर्स खा, क्या तेरा गज़ब हमेशा तक रहेगा, अपने बंदों पर रहम फरमा। जमाइती जवाब, ऐ खुदावन तू ही पुष्ट हमारी पनागा रहा है। हमें सुबह के वक्त अपनी रहमत से आसूदा कर ताकि हम अपने सब दिनों में शादमानी करें और खुश हों। खुदावन हमारा खुदावन की शफकत हम पर हो और हमारे हाथ का काम हमारे कामयाब हो। जमाइती जवाब, ऐ खुदावन तू ही पुष्ट हमारी पनागा रहा है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पाल रसूल का खत फिलमून के नाम उसका 9:10-12 से 17 आयतें का सा। ऐ प्यारे हम खिजमत, मैं पालूस लिख रहा हूँ जो जहीफ बल्कि इस वक्त मसीह का कैदी भी हूँ, अपने उस फर्जन की बावत जो कैद की हालत में मुझे हासिल हुआ, यानी इसकी बावत अर्ज करता हूँ कि मैं उसे अपने जिगर जानकर तेरे पास वापस भेजता हूँ। मैं चाहता तो था कि उसे अपने पास रखूँ ताकि तेरी तरफ से अंजीर की जंजीरों में मेरी खिदमत करे, मगर तेरी मर्जी के बगैर कुछ करना ना चाहा ताकि तेरा नेक काम मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से हो। वो शायद तुझसे इसीलिए थोड़ी देर के वास्ते जुदा रखा कि तू हमेशा के वास्ते उसे फिर हासिल करे, अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से बढ़कर उसे भाई की तरह, जो खसूसन मुझे और कितना ही ज़्यादा तुझे अजीज़ है, जिस्म की राह से भी और खुदावन में भी।
बस अगर तू मुझे रफीक जानता है तो उसको भी उसे ऐसे कबूल कर जैसे मुझको। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, तारीफ करेंगे यीशु जी की, तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुबारक है तू ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावन के, तूने बादशाह के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। हालेलुया, तारीफ करेंगे यीशु जी की, तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अचीले मुकद्दस मुकद्दस लुका के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमशी करे। मुकद्दस लुका के अंजील उसका 14वां बाब 25 से 33वीं आयतें का सा। एक दिन एक बड़ा हजूम यीशु के हमरा जा रहा था, तो उसने फिर कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों से बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, और जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर सिंह का साफ ना करे कर ले कि आया मेरे पास उसकी तकमील के का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब न्यू रखे रखे रख कर ऐसा ना हो कि जब न्यू रख रखे और ना कर ले करे कि आया मेरे पास उसकी तक न्यू रखे और तैयार ना कर सके और जो लोग देखें वो सब उस पर हंसने लगे लगे और कहें कि इस शख्स ने तामीर शुरू की मगर तकमील ना कर सका, या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने जाने को हो तो पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 के साथ उनका सामना कर सकता हूँ या नहीं, जो कि 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ाता है। नहीं तो वो हनुक दूर ही है, तो कासिद भेजकर शरायत की सुलह की दरख्वास्त करेगा। पर इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावन खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने आज हमें इस इबादत में शरीक किया और हमें मौका अदा किया कि हम उसके कलाम को पढ़ सकें, उसके कलाम को अपने कानों से सुन सकें और खुदा की हम्द व सना में अपने लबों को खोल सकें। प्रेसिस्टन भाइयों, ये खुदावन की मर्जी है कि वो हमें अपने अपने घर में लाता है और हमें इबादत में शरीक करता है। खुदा अपने कलाम को हमारे घरों में हमें अता करता है। रसीसन भाइयों, और आज खुदावन जो है शागिर्दी के तकाजे जो है वो हमें बताता है। रसीसन भाइयों, आज के कलाम में जो वासिया पैगाम है वो है मसीह यीशु की तरफ से शागिर्दी की दावत, और उसकी शर्त से मुतल्लिक है कि यीशु अपने अल्लाह ही बाप के अलावा मिशन की तकमील के लिए अजीम शहर यरूशलेम की जानिब रवा दवा है
और उसके साथ एक बड़ा हजूम उसके हमरा है, बहुत सारे लोग उसके साथ जो हैं वो हमरा हैं। बेशतर लोग उसे तख्त पर बैठा देखना चाहते हैं, उसको तख्त पर बैठा देखना चाहते हैं, क्योंकि वो उसे एक अजीब बादशाह तस्लीम करते हैं, समझते हैं कि ये हमें जो है वो नजात रोमी हुकूमत से नजात अता करेगा। इस अजीम अजमत और रफ्तार की ताबीर उन्हें उसमें नजर आती है, उन्हें अपने ख्वाबों की ताबीर उसमें नजर आती है, उसमें उन्हें एक बादशाह नजर आता है, उन्हें एक रहनुमा नजर आता है जो उनकी रहनुमाई करेगा। मेरे अजीज भाइयों, खुदावंद भी कहता है कि ये भेड़े उन चरवाहे की मानत है, इनकी मानत है कि जिनका कोई चरवाहा ना हो, तो वो उसे अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हुए कहते हैं कि ये हमें निजात लाएगा, ये हमें जो है वो जो है ये अपनी हुकूमत को, अपनी बादशाह को जो है वो कायम करेगा। एक अच्छा लीडर उनमें उसे नजर आ रहा है। और मेरे अजीज भाइयों, जब जो के कभी उन अच्छा ये जो चीज़ थी जो के कभी जो है उनके बाप दाऊद का नसीब थी, ये तख्त जो है उनके बाप दादा का तख्त था जिसपे रोमी हुकूमत ने उन्हें कब्जा कर लिया था। अब उनके बाप वो चाहते हैं कि शायद कि हमारे बाप दाऊद का तख्त हमें वापस लाएगा। और तस्वीर में वो लोग भी हैं जिसके लिए यीशु भेजा गया और मसीह मसा किया गया, यानी कुचले हुए, रद्द किए गए, मस्कीन, लाचार, बोझ से दबे हुए, गरीब, सभी लोग शामिल हैं। वो उनके लिए आता है और यही वो लोग हैं जिन पर खुदा की बादशाही के भेद आशकारा किए गए हैं। और बड़े बड़े हकीमों और दानाओं तक उसकी रसाई नहीं। कस्सा माँ मरियम उन्हें उनके लिए नगमा, कस्सा माँ मरियम का नगमा जो है कि मेरी जान, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मैं इसलिए अपनी बंदी की पुश्तहाली पर नजर कर। मेरे अजीज भाइयों, आज हम देखते हैं यहाँ पे कि मुकस्सा माँ मरियम जो है वो जो है खुदावंद के साथ साथ रहती है। मुकस्सा माँ मरियम जो है उसको जब हम सलीब के तले देखते हैं, मेरे अजीज भाइयों, मैं सोच सो टॉक हट के, लेकिन मुकस्सा माँ मरियम के बारे में आजकल जाने कि मुकस्सा माँ मरियम जिसे जो सलीब के तले थी, तो खुदा ने किसी की फिक्र नहीं की, उसने नहीं चाहा, उसने अपनी जान का नजराना हम सब के लिए दिया, उसने किसी में फर्क नहीं रखा, उसने नहीं कहा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, उसने अपनी जान, अपनी निजात जो है सबको अता की। और मेरे अजीज भाइयों, और उसने क्या किया कि जब वो सलीब पर था तो उसने अपनी माँ जो है वो हमें दे दी। मेरे अजीज भाइयों, और तो बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास जो है शायद उसकी माँ ही अपनी थी, इसके अलावा वो आसमान और जमीन का खल्क करने वाला, आसमान और जमीन को बनाने वाला वो शख्स जो है, वो जो दुनिया का बानी है, वो जो हमारी निजात का बानी है, वो जो दुनिया का बानी है, वो जो है वो एक खुरली में पैदा होता है, उसकी पैदाइश पर कोई उसके लिए जगह नहीं थी। मेरे अजीज भाइयों, खुदावंद के पास अपनी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं थी। मेरे अजीज भाइयों, हम हमेशा खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद खुदा हमेशा हमारे साथ है, और उसने जो है अपनी माँ हमें अता की। उसने यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माँ, और इस तरह से वो कलीसिया की माँ बनती है, और कलीसिया की माँ हम सब की माँ बनती है और हमारी मदद करती है। प्लीज़ ये फ़ोन आज बंद करें, अभी मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ मारिया भी फ़ोन बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, अभी आप फ़ोन बंद कर दें, इस वक्त मैं आपसे नमाज के दौरान मुश्किल है। अच्छा, हम खुदा खुदा का शुक्र अदा करते हैं बेशुमार नेमतों के लिए कि खुदावंद जो है हमेशा हमारी मदद करता है। और मेरे अजीज भाइयों, जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसने खुदावंद के पास जो है अब उसके रहने के लिए, कहता है कि दूसरों के लिए उसके रहने के लिए जगह नहीं थी, वो पत्थर पर सर रख के सोता है। मेरे अजीज भाई, और खुदावंद खुदा के पास जो है वो अपनी कब्र भी नहीं थी, उसके पास अपना कफन भी नहीं था। और मेरे अजीज भाई, ये सब कुछ जो है
खुदाम खुदा ने उसके पास कोई दुनिया का खालिक और मालिक कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ अपनी माँ थी जो उसने हमें अता कर दी। मेरे अजीज भाइयों, अब हम देखते हैं कि इस हजूम की तरफ जो देखते हैं, यीशु इस हजूम की उम्मीद और उमंगों का सितारा है। खुदा के पीछे बहुत बड़ा हजूम है जो उसकी उम्मीदों का सितारा, वो जानता है कि वो एक बहुत बड़ा मसीह, वो उसको देखना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा मसीह के मुंतसर हैं, क्योंकि मगर यीशु ऐसा इंसान नहीं जो किसी सुस्त शरीयत की, सस्ती शरीयत की जस्तजू में है, ना ही वो लोगों के किसी सियासी अज़म के लिए इस्तेमाल अपने आप कर, ना ही चाहता है कि लोग उसके बेमकसद और बेमिसाल पहरवी करें। वो नहीं चाहता कि ये साथ महज चंद घड़ियों का हो, बल्कि वो चाहता है कि जो भी उसके पीछे आए वो ताहयात उसका शागिर्द ठहरे। इसलिए वो रुकता है और मुड़ता और ठहरता है, उसे झूम को खबरदार करता है, वो वाजिया करता है, दो टोक अल्फाज में उन्हें अपनी मंजिल बयान करता है, वो दावत देता है। और उसकी दावत अगर उसे शुरू ही से शुरू होती है तो मसीह लोगों को एक हजूम नहीं बल्कि एक बुलाई हुई जमात है जो उसके तकाजों को पूरा करके चुनी जाती है, जब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना है। अंजील मुकद्दस के तीन किस्म की शराइत बयान करने पर मुश्किल है, और यही बयान शगिर्दी के तकाजों को पूरा करता है। और मेरे सीस्वन भाइयों, हमें आज के कलाम को समझने में बाइबल शगिर्दी के तकाजों के लिए खुदावंद हमें किस तरह से कहता है, मेरे सीस्वन में अगर कोई मेरे पास आए और अपनी माँ, अपने बाप और माँ और बीवी बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से जीना रखे तो मेरा शगिर्द नहीं हो सकता। बड़ी सख्त बात है मेरे सीस्वन भाइयों। और शगिर्दी के एक किस्म है, इसके कुछ मतालबे हैं, इसके मतालबात को पूरा करना बहरहाल जरूरी है। माँ बाप से कीना से क्या मुराद है? क्या यीशु मूसाई शरीयत यानी दस अहकाम की तालीम को नजरअंदाज करके कर रहे हैं, जो वालिदैन की इज्जत की के लिए हमें 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 कहा जाता है? खुदा का चौथा हुक्म माँ बाप की इज्जत करना, वो तो बजाते खुद अपने माँ और बाप बल्कि दुश्मनों को भी प्यार करता है। लिहाजा यीशु और मुकद्दस लूका भी दस अहकाम की तालीम की नफी नहीं करते। यीशु ने उस आदमी को हकामात की पैरवी करने की के लिए उसकी ताकीद की जो उससे पूछता है, ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? अगर एक शख्स अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करता तो ये हुक्म अपनी अहमियत खो देता है, तो फिर माँ और बाप से कीना कैसे रखना समझा जा सकता है? इस तालीम को एक उस सूरत में समझ सकते हैं कि जब ये चीज़ें में से एक कामिल तरजीह बन जाती है, यानी कि ऐसी तरजीह जो कि एकदम हतमी और गैर शामिल मतालिक मुकम्मल मुस्तकम हो, जो दर हकीकत यीशु की ज़ात के साथ एक जानसारी है, जो कि खुदावन के साथ वफादारी है, उसके साथ वफादारी। खुदावन नहीं कहता कि अपने माँ बाप को छोड़ो, लेकिन वो कहता है कि अव्वल तरजीह जो है खुदा को दे। हम हमेशा जो है दूसरी चीज़ों को तरजीह देते हैं, खुदा को जो है लेकिन हम खुदावन कहता है कि खुदा को हमेशा पहले दर्जे पर, पहली जगह पर रखें, क्योंकि खुदा हमेशा अपने लोगों को प्यार करता है। खुदावन जो है कहता है कि खुदावन को अव्वली, हम अपने घरों में खुदा की कलाम को जो है अव्वल जगह दें, खुदा की जगह पर रखें। मेरे सीस्वन खुदावन ये बात कहता है, खुदावन ये नहीं कहता है कि अपने माँ बाप को छोड़ दे, जो कि चौथा हुक्म देता है, और कहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। मेरे सीस्वन उस बात की नफी नहीं करता, बल्कि वो हमें ये बताता है कि हमें खुदा की राह पर चलना है और खुदा के लिए खुदा को जो है अव्वल दर्जा जो है वो हमें देना है। इसी तरह हम देखते हैं जिस तरह वो हमें लेकर जाना चाहता है, जिस तरह वो हमें बताना चाहता है, यीशु में उस रास्ते पर ले जाना चाहता है। रास्ता नहीं बल्कि यीशु खुद रास्ता है, उस रास्ते पर नहीं, यीशु खुद रास्ता है जो हमें उस जगह पर ले जाना चाहता है। इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शगिर्द। दूसरा जो है दूसरी शर्त जो है कि जिस तरह कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शगिर्द नहीं हो सकता। एक हकीकी और गरीब भी की तरफ इशारा है।
मेरे सिसन भाइयों, यहाँ पे गरीबी और एक हकीकी गरीबी की तरफ इशारा है। एक शागिर्द को अपना सब कुछ तर्क करना मुकद्दस लूका की निगाह में उसकी खसूसी अहमियत है। मैं वो हमें बताते हैं कि किस तरह शागिर्द अपनी मलकियत और अपने सबाब बेचते और हर एक की जरूरत के मुआफिक बांट देते थे। और मुकद्दस लूका बताते हैं कि उनमें से सब कुछ मुश्तरका था। रसूलों के अमाल में पढ़ते कि उनमें सब कुछ मुश्तरका था और लूका की नजर में उसका एक ये भी मकसद था कि तमाम चीजों में एक दूसरे को शरीक किया जाए ताकि कोई शख्स भी एक दूसरे का मालिक ना बन सके। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। अपना सब कुछ बेच तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। शागिर्दियत का ये तकाजा भी हमारे सामने यीशु की सूरत को आशक्तारा करता है, जिसने हर एक चीज से अपने आप को खाली कर दिया। यीशु ने वो कुल कायनात का बादशाह होते हुए सब कुछ खलक करने वाला बानी और अपने आप को खाली कर दिया। और मेरे अजीज फैन भाइयों, उसके पास यहाँ जैसे पहले का कि उसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था, उसकी पैदाइश के वक्त उसके वक्त कोई जगह नहीं थी। मेरे अजीज फैन भाइयों, खुदावन ने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को फरोतन कर दिया, यहाँ तक कि वो अपनी हैसियत फर्जंदे खुदा को भी उससे छोड़ दिया ताकि वो हमारी इंसानी ज़ात में शरीक हो सके। लिहाजा यीशु का शागिर्द होना उसे हर एक चीज़ पर तरजीह देना है और अपनी मादी ज़हनी और रूहानी चीज़ें दूसरों के साथ बांटना है। मेरे सिस्टर भाई, हम अपने आप को लोगों के साथ बांटना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ खुदा हमें दूसरों की मदद करना और आज के कलाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। मसीह खुदा उनके सिला से आमीन। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक और यीशु मसीह पर जो उसके इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है और उनको दसी कुदरत से पेट में पड़ा कुआरी मरियम से पैदा हुआ, उसने पहले तस्वीर तो उसके अहद में दुख उठाया, मसलूक किया गया, मर गया, दफन किया गया, बजरक मुसा की सूरत मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से उसने और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदरत पाक के तकलीफ से बरसों की शराकत गुनाहों की माफी जिस्म के जीवन में हमेशा जिंदगी पर आमीन। आए अपनी दुआओं के इल्तिजाओं को खुदा हम अपने खुदा के हजूर पेश करें। हम सबसे पहले खुदा से आज के कलाम को समझने के लिए हिकमत और फहम की रूह अता मांगे कि खुदा आज के कलाम को समझने के लिए खुदा हमें हिकमत फहम अता करे ताकि हम शागिर्दियत के तकाजों को जानते हुए अपने माँ बाप की इज्जत करें और हमेशा खुदा उनकी राह पर चले। बहन भाइयों मिलकर दुआ करें, खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करें अपने तमाम उन बहन भाइयों के लिए इफ़ाक की इबादत जो हम करते हैं, खासतौर पर उन तमाम बीमार बहन भाइयों के लिए जो घरों में अस्पताल में बीमार हैं, कि खुदा बाप जो है उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और खुदा बाप उन सब की बड़ी मदद रहनमाई फरमाए। बहन भाइयों मिलकर दुआ करें। आज हम खासतौर पर उनके लिए भी दुआ करते हैं कि जो के जिनके घर से खुदा की हैकल खुदा का घर दूर है, कि खुदा बाप आज का ये कलाम उनके लिए मिश्रे राह हो और वो आज के कलाम को बेहतर तौर पर जान सकें। बहनों भाइयों मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खुदा से दुआ करें कि खुदा बाप जिस जगह पे खुदावन तेरे गिरजा घर नहीं है, कि खुदा बाप वहाँ पे तो अपनी हैकल तामीर करने के लिए लोगों को तौफीक अता फरमा और खुदा बाप उनकी मदद रहनमाई फरमा और खुदा बाप जहाँ तक खुदावन तेरा कलाम पहुँचे खुदावन वो लोग तेरे नाम से निजात पाएँ और खुदा बाप को मुबारक कहें। बहनों भाइयों मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करें कि खुदावन खुदा उन तमाम तालिब इल्मों को, तमाम परेशान हाल लोगों को भी खुदा बाप जो है उनकी सबकी मदद रहनमाई फरमाए, मुसाफरों को अपनी मंजिल तक पहुँचाए और वो लोग जो कैद में हैं खुदा बाप उन्हें रिहाई अता फरमाए। और ख़ासतौर पर हम सलाब से मुतासर लोगों के लिए खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा बाप जो है उन सबकी बड़ी मदद रहनमाई फरमाए। और ख़ासतौर पर हम दुआ करते हैं ख़ासतौर पर कि अब जो है मुकस्सा माँ मरियम के नवीनों के जो इज्तम कराची में हो रहे हैं, जो दीगर जगहों पर हैं, खुदा बाप उनमें सबकी बड़ी मदद फरमाए। और ख़ासतौर पर 9, 10 और 11 को जो मुकस्सा माँ का बड़ा यौम सालगिरह मनाने के लिए जो बड़ी तैयारी मरियाबाद में की जा रही है, कि खुदा बाप उन सब में खुदा उन सब की बड़ी मदद रहनमाई फरमाए, तमाम लोगों को उनके रास्ते खोले ताकि वो वहाँ तक पहुँच सकें।
बहनों भाइयों, इस आत्म मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने खासतौर पर कहा कि उनके लिए दुआ की जाए, खासतौर पर वीर उलादों के लिए, खासतौर पर रुखसाना और कमल जॉन के लिए खासतौर पर दुआ करते हैं कि खुदा बाप उन पर अपने रहम करम की निगाह करें और खुदा बाप अपने उन तमाम ऐसे जोड़ों के लिए जिन्होंने खासतौर पर दुआ के लिए कहा, उन सब के लिए खुदा बाप उन्हें नेक और अच्छी औलाद अता फरमाए। खुदा बाप सबको खुदा बाप अपनी बरकत से मालामाल करे। बहनों भाइयों मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम उनके लिए दुआ करें कि जिन्होंने अपने नाम दिए और कमेंट्स अपने नाम दिए ताकि खुदा बाप सब पे खुदा बाप अपने रहम करम की निगाह करे। बहनों भाइयों मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पना और ताकत तमाम शफकत के सजेश्वर दुआएं तेरी क्लीसन है जिसने लाल के साथ मांगती है, बख्शे कि उसका असर हम तक पहुंचे, मसीह खुदा उनकी वसीला से आमीन। नजराना पर दुआ। ऐ नहायत रहीम खुदा, हकीकी अकीदत और दिली इत्मीनान तुझी से आता है, बख्श दे कि हम ये हद हिलाकर मुनासिब तौर पर तेरी अजमत की इज्जत करें और तेरी इबादत में शरीक होकर तेरे साथ आपस में एक होने के एहसास की तौफीक पाएं, मसीह खुदावन के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ ही हो। आए हैं पूरे भरोसे और यकीन के साथ वही दुआ मांगे जो मसीह खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजीना की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि भलाई से बचा, आमीन। आए हम आखिरी दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं। जिस तरह हरनी पानी की नदियों की या जो होती है वैसे ही ऐ खुदावन मेरी जान तेरी मुश्ताक है, मेरी रूह खुदा के जिंदा खुदा की प्यासी है। हम दुआ मांगे, ऐ खुदावन हमारे खुदा, तू अपने पाक कलाम और आसमानी सैक्रामेंट दोनों से अपने ईमान लाने वालों की परवरिश करता है, उन्हें जिंदगी बख्शता है। हमें ये अनायत कर कि हम तेरे प्यारे बेटे की इतनी बड़ी नेमतों से फायदा उठाएं और हमेशा हर बात में उस जिंदगी में शरीक होने पाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ ही हो। मेरे सीसन भाइयों, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी, सुलह और सलामती में रहें। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद अपने चेहरे का नूर हम पर चमकाए और खुदावंद आप सबकी हिफाजत करे, आमीन। Thank you.